बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मरने से रोके, समझ गए। और वो क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ खत्म होना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है ना। उसी तरीके से हमने क्या माना है कि डिटरियंस की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि डिटरियंस में अमाउंट इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी पर सेकंड टर्म जोर दे रही है, दोनों टर्म्स में अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो पूछो। मिनिमम क्रेडिबल डिटरियंस और क्रेडिबल मिनिमम डिटरियंस को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहली टर्म डिटरियंस की क्रेडिबिलिटी पर इंफेसाइज करती है और दूसरी टर्म डिटरियंस की क्वांटिटी पर इंफेसाइज करती है। हमने क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है, ना कि क्वांटिटी को। क्वांटिटी को इंफेसाइज अगर हम मान लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये पांच मिसाइल्स बहुत, हमारे ये पांच बॉम्ब बहुत है, हमारी ये पांच जो है सबमरीन है वो बहुत है ना। जबकि हम क्या बोल रहे हैं, ये दो चार पांच दस ये हम तय नहीं करेंगे, हम ये तय करेंगे कि दे आर क्रेडिबल और नॉट। अगर वो क्रेडिबिलिटी हमें सूट कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें लगता है कि क्रेडिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हम उसके अमाउंट को बढ़ा भी देंगे। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अगर कोई आपसे पूछे कि आप यहां से पढ़ने जा रहे हो मान लो दिल्ली, है कि नहीं, तो आपको अगर आपके पापा पूछे घर वाले कि महीने के कितने पैसे चाहिए, तो आप बोलो जितने रहने के लिए जरूरी है कि नहीं भाई। वी कैन नॉट सेट अमाउंट, हम अमाउंट तय नहीं कर सकते, 10,000, 15,000, 20,000 ये अमाउंट तय नहीं कर सकते। और पापा क्या कह रहे हैं, फर्स्ट यू फिक्स द अमाउंट, उसी हिसाब से तो हम आगे के प्लान बनाएंगे। भाई आप हमें बता दो कि अमाउंट कितना चाहिए। फिर उनको कोई समझाता है कि ये कैसे बता सकते जी अमाउंट कितना चाहिए, क्योंकि अमाउंट कितना चाहिए इसके लिए तो 50 दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है ना, 50 तरह के खर्चे, क्या ये वहां जाकर ही बता पाएंगे जी कितना अमाउंट चाहिए। इतना इनके पास सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मींस क्या होता है कि अब आप अब इस घेरे के चारों तरफ आ गए, इस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हो तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अमाउंट वी कैन नॉट फिक्स, वी ओनली फिक्स द कंफर्ट जोन, है ना। हम अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, वी ओनली फिक्स द कंफर्ट जोन। जैसे मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर PSIR की क्लास कितने घंटे में खत्म होगी, तो मैं क्या बोलता हूं, वी कैन नॉट फिक्स द आवर्स, वी ओनली फिक्स द बेस्ट आउटकम ऑफ द क्लास। हम एक ही चीज को तय कर सकते हैं कि वो कितना बेहतर तरीके से पूरी हो जाए। हम एक घंटे तय करके क्यों चले कि 200 घंटे 400 घंटे 500 घंटे ये तय करके क्यों कर चले। हम एक ही बात तय करके चलेंगे कि एक एक चीज जो है वो पूरी हो जाए और इस तरह से पूरी हो जाए कि आप आपके लोगों को समझ में आ जाए, आप अपना काम शुरू कर दे, बट दैट्स इट। इसके अलावा मेरे दिमाग में किसी भी बैच को लेकर कोई खाका नहीं रहता है, समझ में आया। हाँ, ये मेरे दिमाग में जरूर रहता है कि हर चीज की एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है। जैसे कि अगर मैं आपको IR पढ़ा रहा हूं और अगर अगर उसको अनएंडेड में ओपन एंडेड कर दूं तो वो तो कभी एंड नहीं होगा, डेढ़ दो साल तक आप IR ही पढ़ते रहो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन उसको मैं इतना भी बांध कर नहीं चलता हूं कि नहीं ये तो काम आज हो ही जाना है, ये काम आज हो ही जाना है, ये काम आज हो ही जाना है। अगर ऐसे बांध के चलेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है हम जो प्रेशराइज्ड फील करेंगे। उसी तरह से द ओनली थिंग दैट इज क्रेडिबिलिटी, है ना। जैसे कि हम, मैं इसको टीचिंग के एग्जांपल से क्यों ले रहा हूं कि एक एकमात्र चीज जो मैं ध्यान रखता हूं वो है क्रेडिबिलिटी, कि क्रेडिबिलिटी से कोर्स कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। उसी तरह से हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में माना है, तो क्रेडिबिलिटी के अंदर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर क्या माना है कि हम क्यों तय करें कि पांच मिसाइल, हम क्यों तय करें कि 10 मिसाइल, हम क्यों तय करें कि अमाउंट, द ओनली थिंग वी कैन सेट इज द क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी किस कितनी क्रेडिबिलिटी, नो फर्स्ट यूज। हाँ, ये वादा करते हैं पहले नहीं मारेंगे, लेकिन ये भी वादा करते हैं कि हम पर कोई अटैक होगा नहीं। इतनी क्रेडिबिलिटी का जो मापदंड हमने सेट किया कि हम पर कोई अटैक हो ही ना पाए, हमने साफ कहा डजंट मीन कि पहले हम सफर्ड होंगे फिर अटैक करेंगे, नहीं। हम क्रेडिबिलिटी को इस लेवल तक मानते हैं कि हम सफर्ड नहीं होंगे, हम इंटेलिजेंस से उस चीज को पहले ही खत्म कर देंगे जो हम पर होने वाला है। उसके लिए ट्रायोड के बीच में क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन। ट्रायोड क्या है, हमारे तीनों सेनाओं के अंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी, अगर मान लो इंडिया एक सैटेलाइट छोड़ता है, स्पाई सैटेलाइट, और हम कह रहे इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो हमसे पूछा जाएगा कि स्पाई सैटेलाइट आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का पार्ट कैसे है। तो आप ये कहोगे कि अगर हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बोलते हैं कि कोई हमको हिट करे फिर हम रेस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा नहीं, हम पहले ही पता लगा लेंगे कि आप हिट करने वाले हो, इसके लिए सैटेलाइट छोड़ना पड़ा। अगर कोई जासूसी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उस जासूसी सैटेलाइट का एम क्या होता है, सर्विलेंस ना। उसका एम क्या होता है कि वो आपकी एक्टिविटीज को देख ले,
अगर वो एक्टिविटीज आपने देख ली और इंडिया की मिसाइलें, परंपरागत मिसाइलें आपके उस जगह पर जाकर हिट करती है जहां से आप अटैक करने वाले थे, दैट इज द क्रेडिबल डिटरियंस। इट डजंट मीन कि पहले आप पर हमला हो जाएगा उसके बाद आप रेस्पॉन्ड करोगे। समझ गए? अब लिखिए, शुड वी गो टू फर्स्ट यूज रिजाइन, क्या हमें पहले प्रथम उपयोग के सिद्धांत को अपनाना चाहिए? देखिए, सम एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट वी शुड गो फॉर फर्स्ट यूज रिजाइन। कुछ विशेषज्ञों का यह तर्क है कि हमें पहले उपयोग के सिद्धांत को अपनाना ही चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनी कंट्री टू पुट द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स इन डेंजर फर्स्ट। किंतु क्योंकि किसी भी देश के लिए व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है कि वह पहले अपने नागरिकों की जान को खतरे में डाले। मतलब आप तो कहते हो कि हमला होने से पहले ही नष्ट कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए तो है ना, आप उसको नष्ट करने की बजाय अपना हमला करने का काम रखो ना, ताकि नो फर्स्ट यूज वाला कॉन्सेप्ट हटाकर फर्स्ट यूज वाला लेकर आओ। सेकंड लिखिए, नो अदर कंट्री एक्सेप्ट चाइना अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। नो अदर कंट्री एक्सेप्ट चाइना अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नो फर्स्ट यूज। चीन के अलावा किसी और देश ने यह सिद्धांत अपनाया भी नहीं है। थर्ड लिखना, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन अलाउज द पाकिस्तान टू ब्लैकमेल अस। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन अलाउज द पाकिस्तान टू ब्लैकमेल अस। प्रथम उपयोग ना करने का सिद्धांत, प्रथम उपयोग ना करने का सिद्धांत पाकिस्तान को यह इजाजत देता है कि वो हमें ब्लैकमेल कर ले, बिकॉज पाकिस्तान हैज द पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज। क्योंकि पाकिस्तान की यह नीति है कि वो पहले उपयोग करेगा। देखिए, एज पर द प्रोफेसर विपिन नारंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट यूज पॉलिसी। एज पर द प्रोफेसर विपिन नारंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड एक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट यूज पॉलिसी। विपिन नारंग जी के अनुसार, जी मत लिखना, प्रोफेसर विपिन नारंग के अनुसार, विपिन नारंग जी का मतलब होता है कोई भी लेमैन है, ये वो जी जा रहा है जो, समझ में आया ना? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना। अगर हम बोले ना कि जैसे हम जनरली बोलते थे मोदी जी, राहुल जी लगाना तो भारत के कल्चर के अंदर है, हम किसी को भी जी लगा कर बोल देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट के अगर बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं प्रोफेसर, ठीक है ना? तो प्रोफेसर विपिन नारंग के अनुसार सरकार ने इस विषय में कदम उठाना शुरू भी कर दिया है। और क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू एम सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट स्ट्राइक आर बेसिकली द टेस्ट ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द टारगेट एंड डिस्ट्रॉइंग देम विदाउट हार्मिंग द सिटीजन्स। उनके अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक वास्तव में ऐसे टेस्ट ही थे जो भारतीय सेनाओं ने ये देखने के लिए किए थे कि क्या हम कितनी सटीकता से किसी लक्ष्य को भेद सकते हैं जिसमें आम नागरिकों को हानि नहीं पहुंचे, विदाउट हार्मिंग द सिटीजन्स और सिविलियंस। मतलब इसका क्या कहना है कि हम न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज करेंगे, इसके लिए डॉक्ट्रिन हम कैसी अपनाना चाहते हैं कि हम आर्मी टारगेट्स पर हिट करेंगे।
और आर्मी टारगेट्स पर हिट करने की खासियत यह होती है, ये दुनिया में एक जेनेवा संधि है उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि जब अटैक हो भी तो आर्मी टारगेट्स को हिट करना है। मान लो कोई आर्मी एयरपोर्ट है तो उस पर अटैक करना है, सिविलियन एयरपोर्ट पर अटैक मत कर देना। ऐसा अगर आप करोगे तो आप दुनिया में नरसंहार के दोषी माने जाओगे। लेकिन याद रखना, जब वॉर होता है ना तो फिर कोई देश ये नहीं देखता कि सिविलियन मारे जा रहे या कौन मारा जा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर के अंदर अस्पतालों को हिट किया गया है ना, अभी इसराइल फिलिस्तीन का जो काम है उसके अंदर इसराइल जो है वो अस्पतालों को हिट करता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि आर्मी अपने लोगों को अस्पताल शिफ्ट कर देती है कि इस पर हिट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो हिट करता है। मेरी बात समझे कि नहीं? मान लो एक आर्मी बेस है, इस आर्मी बेस को हिट किया जाए और आर्मी के लोग शिफ्ट हो चुके अस्पताल में, और आप बोलो जी जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप अस्पताल को हिट नहीं करोगे, सामने वाली पार्टी को पता पड़ा कि इनके आर्मी के लोग तो शिफ्ट हो गए अस्पताल में, तो वो अस्पताल में हिट करते हैं। ये कुछ वैसे ही है कि अगर यहाँ का कोई क्रिमिनल हो, बदमाश हो, वो नर्सिंग होम में जाकर छुप जाए तो पुलिस नर्सिंग होम में गोलाबारी करेगी भाई, बात समझे कि नहीं? तो हमारे देश के अंदर ये जो जितने कुछ प्रोफेसर्स है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स है ना, उनका कहना है विपिन नारंग का कि इंडिया ने जो बालाकोट स्ट्राइक किया था और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बेसिकली उसके उसके अंदर इंडियन आर्मी ने ये भी टेस्ट कर लिया कि विदाउट हार्मिंग द सिटीजन्स हम कैसे किसी टारगेट को सेलेक्ट कर उसको हिट करते हैं कितनी सटीकता से, क्योंकि ये कैपेबिलिटी होती है। अगर आपके पास में एक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है तो इतना ही काफी नहीं है, वो मिसाइल ऐसी होनी चाहिए जहां आप चाहो वहां गिरे, जहां आप चाहो वहां ना गिरे, मतलब और आप टारगेट्स को लोकेट करने में सक्षम हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आर्मी बेस है उस पर मारना है क्योंकि वहीं से तो जो है कैजुअल्टी होगी। अगर आपने सिविलियन मामलों पे अटैक करने शुरू कर दिए तो इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि हम घरों पर मिसाइल मारेंगे। हम मिसाइल कहां मारेंगे? आर्मी के जो बेसेस होते हैं, आर्मी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको नष्ट करने के लिए। तो इंडिया के जो दोनों काम है वो इसी पर आधारित है। अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई, पता नहीं आपने नोटिस किया था कि नहीं किया था, एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर गिर गई है ना, इंडिया ने बोला गलती से गिर गई, और प्रोफेसर विपिन नारंग बोलते हैं कि हम टेस्ट कर रहे थे कि टारगेट ओरिएंटेड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडिया ने क्या बोला कि गलती से गिर गई है ना, और पाकिस्तान ने भी इसको छोड़ दिया। पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं होगा, उसको दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग नाउ, मतलब हम ये टेस्ट कर रहे थे कि अगर हम इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करना चाहें तो पर्टिकुलर टारगेट हमारा हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कौन सी मिसाइल है वो, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिमाग याद करो, आपने पढ़े होंगे ना मिसाइल विसाइल, तो आप पढ़ोगे उसके अंदर ब्रह्मोस कैन कैरी द न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है, वो क्या ले जा सकता है? नाभिकीय अस्त्र शस्त्र। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमने खाली छोड़कर, समझ में आ रहा ना, अगर एक दवाई है या मान लो किसी को जब ये डायबिटीज के पेशेंट्स जब सिखाते हैं ना उनको कि इंसुलिन का इंजेक्शन अपने आप कैसे लगाना है, पहले बड़ा कठिन होता था ये लगाना, आजकल तो क्या होता है पेन आते हैं, इंसुलिन के पेन आते हैं, उनको लगाना उतना ही आसान होता है, हल्की सी नीडल जैसा चुभने का दर्द आता है और कुछ नहीं होता। पहले क्या होता था, जो कन्वेंशनल इंजेक्शन होते ना बड़े वाले जिनको देखते ही आदमी डरता है, जो पहले कन्वेंशनल बंदूकें होती थी, समझ लो जिसको दबा कर जब छोड़ते थे ना तो ऐसा लगता था उसकी बंदूक की पसलियां हिल गई है, समझ गए? उसी तरीके से वो तो डॉक्टर बैंगन जो होता है, याद रखना उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो ह्यूमन स्टमक जैसा माना जाता है ना, मतलब अगर आप ह्यूमन स्टमक को, क्योंकि डायबिटीज का जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वो पेट में लगता है, वो मतलब यहाँ नहीं लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ लगता है पेट में, और वो कहाँ लगेगा, कहाँ से निकलता है इंसुलिन? पैंक्रियास से। तो पैंक्रियास किधर लोकेट होता है? हमारी लेफ्ट साइड के साइड में। तो धीरे धीरे डायबिटीज के पेशेंट इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि बात करते करते आईपीएल का मैच देखते देखते इंजेक्शन लगा लेते हैं। पहली बार वो लगाते ना तो चारों सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते, देखो मैं लगा रहा हूँ, देखो मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, सही है कि नहीं? उसके बाद वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो आपका जो मतलब इधर आईपीएल का मैच देख रहे, रोहित शर्मा का एनालिसिस करते करते इंजेक्शन ठोक लिया और हटा दिया, तो पर्टिकुलर लोकेशन भी पता लग जाती है कहाँ होता है। तो बैंगन होता था, उस बैंगन पर वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के दिखाता था कि इस तरह से इतना प्रेशर लगाना है उस पर, जोर से लगा दिया ना तो सारा इंसुलिन एक साथ बाहर आ जाएगा जो पैंक्रियास के अंदर है ना, इंसुलिन फट ही जाएगा पैंक्रियास आपका, जितना इंसुलिन है निकल जाएगा एक बारी। तो हम टेस्ट, अगर आपने जब डॉक्टर दिखाता था तो अंदर दवाई नहीं भरता था, इंसुलिन बैंगन में थोड़ी डाल देता था, वो क्या करता था, वो पानी लगाकर या बिना किसी उसके आप दिखाता था कि आपको प्रेशर ऐसे पता लगाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस अगर हमने खाली चलाकर देख ली
तो हमने ये पता लगाया है कि वो कहाँ गिर रही है और हमारे टेस्ट कितने हैं। यानी कि भारत सरकार अभी सोच रही होगी कि पाकिस्तान को ये एटॉमिक एक्टिविटी कोई गड़बड़ एक्टिविटी करे ताकि हमारा तीसरा टेस्ट भी हो। अभी तक हमने दो टेस्ट किए हैं, कौन सा? उरी अटैक के बाद, कौन सा? सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक। हाँ, मतलब ये होना नहीं चाहिए कि भाई पाकिस्तान किसी और कैजुअलिटी को करे फिर हम वापस टेस्ट करें, लेकिन हमारी आर्मी के लोग तो तैयार होंगे ना कि एक टेस्ट तैयार पड़ा, कुछ भी पाकिस्तान हल्का सा भी कुछ कर दे हम ये टेस्ट कर लेंगे, समझे? तो विपिन डारंग के अनुसार वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम बढ़ रहे हैं उस तरफ कि फर्स्ट यूज पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट करें, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये 2014 में भी वादा किया था कि हम फर्स्ट यूज की तरफ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट यूज की तरफ जाने से पहले हम कैपेबिलिटी तो अचीव करें कि हम टारगेट्स को लोकेट करके हिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लिखिए आगे, फॉर फर्स्ट यूज इट इज वेरी नेसेसरी टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टारगेट। फॉर फर्स्ट यूज इट इज वेरी नेसेसरी टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टारगेट एंड देन टू हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। पहले उपयोग करने की नीति के लिए लक्ष्य चयन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहले उपयोग करने की नीति के लिए लक्ष्य चयन करना बड़ा उपयोगी होता, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और फिर उसकी क्षमता प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य का चयन करना महत्वपूर्ण होता है और फिर उसकी क्षमता प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। यू ऑल्सो सजेस्ट दैट एक्सीडेंटल लैंडिंग ऑफ ब्रह्मोस इन पाकिस्तान इज नॉट एक्सीडेंटल। उन्होंने यह भी माना कि चूकवश जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी वो गलती से नहीं गिरी थी। इंडिया इज डेवलपिंग द मिसाइल डिफेंस, भारत अपनी मिसाइल तकनीक का विकास कर रहा है। Even Agni P5 also shows India's attempt to develop first strike capabilities. यहां तक कि अग्नि P5 का विकास भी इसीलिए किया जा रहा है कि भारत पहले हमला करने की क्षमता प्राप्त करे। Even the development of Agni P5 also considered as the attempt to acquire the first attack capability. यहां तक कि Agni P5 का विकास भी इसी उद्देश्य से किया जाना माना जा रहा है कि हम पहले हमले की क्षमता प्राप्त कर सके, कि हम पहले हमला करने की क्षमता प्राप्त कर सके। पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, बट अकॉर्डिंग टू सम अदर स्कॉलर्स लाइक मनप्रीत शेट्टी, कल भी हमने इनके बारे में बात की थी, कुछ अन्य विद्वानों जैसे कि मनप्रीत शेट्टी के अनुसार इंडिया शुड नॉट एंटर विथ सच मिसएडवेंचर्स। मनप्रीत शेट्टी के अनुसार हमें ऐसे दुस्साहसपूर्ण कदम से बचना चाहिए, इंडिया शुड नॉट एंटर इनटू सच मिसएडवेंचर्स। द न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली फॉर डिटरियंस, नाभिकीय अस्त्र सिर्फ बचाव के लिए बने हैं। एंड इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट कन्वेंशनल वॉर विल नॉट हैपन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स। And it is wrong to think that conventional war will not happen between nuclear armed states. पर यह सोचना गलत होगा कि जिन देशों के पास नाभिकीय अस्त्र शस्त्र है उनके बीच परंपरागत युद्ध नहीं होगा। जिन देशों के पास
नाभिकीय अस्त्र शस्त्र है उनके बीच परंपरागत युद्ध नहीं होगा। द कारगिल वॉर इज द एग्जाम्पल, और इसका उदाहरण कारगिल वॉर है। ठीक है, तो ये बात दोनों के पक्ष समझ में आ गया। एक पक्ष कहता है कि छोड़ो इन बातों को, और एक क्या कहता है कि इसके अंदर एंटर हो। अब लिखिए, वेदर शुड इंडिया, लिखना शुड इंडिया ज्वाइन एनपीटी नाउ, क्या अब भारत को एनपीटी ज्वाइन कर लेना जी, सारे काम कर कराने के बाद कह देना जी हम अच्छे बच्चे बन गए। देखिए, इट इज नॉट नीडेड, इसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग द फुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बिकॉज ऑफ द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स विद यूएसए एंड अदर नेशंस, क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका और कई देशों के साथ सिविल नाभिकीय समझौते कर चुका है और सहयोग प्राप्त कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन विथ यूएसए एंड अदर नेशंस। इट इज नॉट नीडेड बिकॉज इंडिया is already getting the full civil nuclear cooperation because of the civil nuclear agreements with USA and other nations. इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ सिविल नाभिकीय समझौते करके उसके लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि भारत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ ऐसे समझौते करके उसके लाभ प्राप्त कर रहा है। एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू ज्वाइन एनपीटी। भारत के लिए एनपीटी में शामिल होना अब संभव भी नहीं है। बिकॉज इंडिया कैन ज्वाइन ओनली एज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट तो पांच को ही मानते हैं। बिकॉज इंडिया कैन ज्वाइन ओनली एज द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि भारत सिर्फ गैर नाभिकीय शस्त्र राज्य के रूप में ही ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ गैर नाभिकीय राष्ट्र के रूप में ही एनपीटी में शामिल हो सकता है। बट इंडिया हैज द न्यूक्लियर वेपन्स, so India has to destroy their nuclear weapons. So India has to destroy its nuclear weapons, which is not possible now. किंतु भारत के पास तो नाभिकीय अस्त्र शस्त्र है, इसलिए शामिल होने के लिए उसे नष्ट करना पड़ेगा, जो अब संभव नहीं है। ठीक है, तो एनपीटी की अगर बात करें तो ना तो अब हम शामिल हो सकते हैं ना आवश्यकता है। एनपीटी पर शामिल होकर क्या मिल रहा था? सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन वो मिल रहा है ना, है कि नहीं? एनपीटी में शामिल होकर क्या मिलना था? फुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन वो मिलना है। हाँ, वो जो 20-30 साल हमने पहले गवा दिए, पहले साइन कर लेते तो फायदा हो जाता, लेकिन अब वो टाइम तो वापस आ नहीं सकता। अब जो आपको मिल रहा है वो मिल जो मिल सकता है वो मिल रहा है, फिर क्या टेंशन है? फिर क्यों एनपीटी पर साइन करके अननेसरी इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालो? दूसरी बात, क्या वो इंडिया के लिए रिजाइन चेंज करेंगे? क्या वो कहेंगे कि 6 न्यूक्लियर वेपन स्टेट है? नहीं, वो कहेंगे 5। इंडिया कहेगा 5 कैसे, हम भी तो है, वो तुम नष्ट करके आओ।
तो फिर भारत कहेगा कि हमारे अभी वेट करना है कि नहीं है। आप लोग आपस में बोलते हो ना, मिलता हूं फिर मैं आपसे, मिलता हूं फिर मैं आपसे का मतलब बैठा रहे है कि नहीं, मिलता हूं फिर मैं आपसे का मतलब क्या होता है कि ठीक है बैठा रहे। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को बोलता हूँ जो जानता हूँ, जो कहते हैं कि वो गाड़ी घुमा के आ रहे हैं वहां से, मतलब आपको कहते हैं कि इधर से बस घुमा के आ रहे, उधर पार्क करके आ रहे, आप खड़े रहना, वो निकल जाते सीधे, वो सोच रहा है यू टर्न आया नहीं उसका अभी तक। तो चलिए अब आते हैं CTBT, व्हाट इज CTBT, कॉम्प्रेंसिव टेस्ट वैन थ्रीटी, कॉम्प्रेंसिव टेस्ट वैन थ्रीटी CTBT, समग्र टेस्ट प्रतिबंध समझौता। देखिए, अकॉर्डिंग टू CTBT ऑल द कंट्रीज शुड स्टॉप द न्यूक्लियर टेस्ट इन एनी मैनर एक्सेप्ट कंप्यूटर सिमुलेशन। CTBT के अनुसार सभी देशों को कंप्यूटर सिमुलेशन के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से नाभिकीय परीक्षण करने की इजाजत नहीं होगी। India's stand on CTBT that we are not going to sign it now or never। भारत का CTBT के संदर्भ में यही रुख है कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं, ना तो अभी और ना ही बाद में। बिकॉज इनिशियली वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिमुलेटेड टेस्ट। क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास ये क्षमता थी ही नहीं कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन से ये टेस्ट कर ले। ऑल द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स वर केपेबल टू डू सो। 5 नाभिकीय राष्ट्र ऐसा करने में सक्षम थे। So it again divide the world between haves and have nots। क्योंकि ये तो फिर एक विश्व को haves और have nots में बांटने का एक माध्यम बन गया। It will all only prevent the horizontal proliferation, not the vertical proliferation। ये तो फिर क्षैतिज प्रसार को रोकने की ही बात हुई, ना कि ऊर्ध्वाधर प्रसार को, समझ गया ना। तो जब CTBT लाई जा रही थी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो क्या कहा गया कि ना तो आकाश में कोई टेस्ट करोगे, ना जमीन के अंदर कोई टेस्ट करोगे, ना पानी के अंदर कोई टेस्ट करोगे, केवल कंप्यूटर पर टेस्ट कर सकते हो।